नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन मां के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और नवरात्र को हिंदू धर्म में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि पर्व को बहुत ही शुभ और पवित्र भी माना जाता है। बता दें, नवरात्रि में 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। ऐसे में नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गे के तीसरे रूप चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता चंद्रघंटा को राक्षसों की वध करने वाली देवी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मां ने अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए हाथों में त्रिशूल, तलवार और गदा भी रखा हुआ है। माता चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना हुआ है, जिस वजह से भक्त मां को चंद्रघंटा कहते हैं। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है और इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में शस्त्र और वाण जैसी चीजें रहती हैं। इनका वाहन भी सिंह है और इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। मां चंद्रघंटा को दूध या फिर दूध से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन शुक्रवार देर रात अपने 3 दिवसीय दौरे के लिए भारत पहुंच गई हैं। आपको बता दें कि रात करीब 9:45 बजे उनका विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा। ऐसे में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बता दें, फ्रेडरिक्सन 9 अक्टूबर से यानी कि आज से 11 अक्टूबर तक 3 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं और अपनी यात्रा के दौरान वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगी। प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन पीएम मोदी के साथ हरित सामरिक गठजोड़ के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा करने के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विविध आयामों पर भी चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि कोरोना काल में बीते 20 महीनों के दौरान ये किसी शासन अध्यक्ष की पहली भारत यात्रा है। भारत डेनमार्क के बीच तकनीकी और कारोबारी सहयोग के अनेक मुद्दों के साथ साथ बातचीत की मेज पर पुरुलिया हथियार कांड के आरोपी किम डेवी के प्रत्यर्पण का मुद्दा भी होगा और करीब 26 साल पुराने इस मामले में भारत लगातार डेवी के प्रत्यर्पण का मामला उठा रहा है। बता दें, बीते साल यानी कि सितंबर 2020 में भारत और डेनमार्क के बीच हुई वर्चुअल शिखर वार्ता के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह मामला उठाया था। ऐसे में विदेश मंत्रालय के अनुसार लगातार इस मामले को उठाता वो आया है और डेनमार्क के साथ लगातार इसकी बात की कोशिश करता रहा है। भारत की वॉन्टेड किंग डेवी को प्रत्यर्पित किया जा सके, इसके लिए भी बातचीत होगी और इसके प्रयास भी जारी रहेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में स्नातक पाठ्यक्रम की 70,000 सीटों पर पहली कट ऑफ में ही रिकॉर्ड करीब 36,000 दाखिले हो चुके हैं। बता दें, इस तरह डीयू की आधे से ज्यादा सीटें भर चुकी हैं और बीते साल पहली कट ऑफ के आधार पर 34,814 दाखिले हुए थे और इस बार पहली कट ऑफ में सभी कॉलेजों में कुल 60,904 आवेदन हुए और इनमें से 35,805 ने फीस का भुगतान कर अपनी सीट पक्की कर ली है। उधर पेमेंट गेटवे में आई दिक्कत के बाद भी दाखिला समिति ने फीस भुगतान का समय शुक्रवार आधी रात 12 बजे तक के लिए बढ़ा दिया था। ऐसे में दाखिलों के आंकड़ों में और बढ़ोतरी होगी और शनिवार को यानी कि आज दूसरी कट ऑफ भी जारी की जाएगी। बता दें, साल 2019 में पहली कट ऑफ के आधार पर 24,000 और साल 2020 में 34,000 एडमिशन्स हुए थे, लेकिन इस बार हाई कट ऑफ के बाद भी दाखिलों का आंकड़ा कॉलेजों को हैरान नहीं कर रहा है। कॉलेजों का कहना है कि इस बार जिस तरह से सभी बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट रहा है और उसमें भी 95% से 100% अंक बच्चों ने प्राप्त किए हैं, उनकी संख्या ज्यादा बड़ी है। उस वजह से पहले से ही तय था कि जल्दी दाखिला लेने वालों की संख्या बढ़ेगी। हालांकि अनुमान है कि कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं और डीयू के एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट के बाद कुछ सीटें खाली हो जाएंगी।
इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का आखिरी पड़ाव अब शुरू हो चुका है। लीग मैचों की समाप्ति के साथ ही प्लेऑफ की जंग भी शुरू हो चुकी है। मुंबई इंडियंस शुक्रवार को प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई और इसी के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की जगह पक्की हो चुकी है। अब प्लेऑफ के मैच और तारीख भी तय हो गई है। ऐसे में क्वालिफायर और एलिमिनेटर का शेड्यूल आप देख सकते हैं। आपको बता देते हैं हम कि प्लेऑफ में दिल्ली कैपिटल्स की टीम चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ेगी, वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जंग कोलकाता नाइट राइडर्स से होने वाली है। साथ ही अब आपको ये भी बता देते हैं कि मैच कब होने वाला है। आपको बता दें कि क्वालिफायर मैच जो होगा वो दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स होगा, जो दुबई में होगा 10 अक्टूबर, यानी कि कल ये मैच होने वाला है। साथ ही एलिमिनेटर रॉयल चैलेंजर्स और बेंगलुरु बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स का जो मैच है वो 11 अक्टूबर यानी कि सोमवार को होगा। साथ ही प्लेऑफ की जंग में पहली लड़ाई दिल्ली और चेन्नई की होगी और ये दोनों ही ग्रुप स्टेज में टॉप की टीमें रही हैं। ऐसे में इन्हें फाइनल में पहुंचने के लिए दो मौके मिलेंगे, यानी कि क्वालिफायर वन में जो टीम जीत जाएगी वो सीधे तौर पर फाइनल में प्रवेश कर लेगी और जो टीम इस मुकाबले में हारेगी उसे एलिमिनेटर जीतने वाली टीम से मुकाबला करना होगा। एयर इंडिया की डील टाटा सन्स की इकाई ने 18,000 करोड़ रुपए में जीत ली है। एयर इंडिया पर भारी कर्ज की वजह से सरकार ने इसका विनिवेश किया है। हालांकि टाटा की तरफ से कहा गया है कि कारोबार का विस्तार जबरदस्त होगा और उसे घरेलू हवाई अड्डों पर 4,400 घरेलू और 1,800 अंतर्राष्ट्रीय लैंडिंग और पार्किंग स्लॉट के साथ ही विदेशों में भी 900 स्लॉट पर नियंत्रण मिलेगा। इस डील पर खुशी जाहिर करते हुए रतन टाटा ने वेलकम एयर इंडिया कहते हुए ट्वीट भी किया। साथ ही बरसों पुरानी तस्वीर उन्होंने शेयर की। उधर दीपम सचेत तुहिन कांत पांडे के हवाले से कहा गया है कि सरकार ने 2009 और 10 के इस एयरलाइंस को संभालने के लिए 54,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए का कैश सपोर्ट दिया था। वहीं 55,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए का गारंटी सपोर्ट भी दिया गया और ये रकम जोड़कर 1,10,276 करोड़ रुपए बनती है और इस नीलामी में सस्ती सेवाएं देने वाली इसकी अनुखंशी एयर इंडिया एक्सप्रेस और माल एवं यात्री सामान चढ़ाने उतारने वाला साझा इकाई है और ऐसे में इसकी हिस्सेदारी का ये 50% शामिल है। कंपनी पर कुल संचित कर 7,000 करोड़ रुपए का बोझ था। नगर विमानन मंत्री हरदीप पुरी ने पहले कहा था कि एयर इंडिया का निजीकरण करने या इसे बंद करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अब इसको टाटा रतन ने खरीद लिया है। आपको ये भी बता दें कि उन्होंने एक बहुत ही पुरानी अपनी तस्वीर भी ट्वीट की और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, वेलकम एयर इंडिया। वहीं गाजियाबाद में वैष्णो देवी की तर्ज पर गोल मार्केट इलाके में गुफा वाला माता का मंदिर बना है। जी हां, माता के दर्शन करने के लिए भक्तों को एक गुफा से होकर गुजरना पड़ता है और यहां के आसपास के इलाकों में मां दुर्गा की काफ़ी मान्यता है और नवरात्र में भक्तों का यहां पर तांता लगता है। इस मंदिर का इतिहास करीब 50 साल पुराना है। गुफा वाले मंदिर के पंडित दिनेश भारद्वाज के मुताबिक मंदिर काफ़ी प्राचीन है। यहाँ पर श्रद्धालुओं का सैलाब हमेशा उमड़ता है, खासकर नवरात्र में मां के दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें मंदिर में लगती हुई नजर आती हैं। मान्यता है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं के सभी संकट और दुख दूर हो जाते हैं। मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु मां के दरबार में नारियल का प्रसाद चढ़ाते हैं। हालांकि कोरोना काल में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है, लेकिन अब नवरात्रि में काफी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पहुंचने शुरू हो चुके हैं। मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है, बहुत भक्त आते हैं। हजारों नवदुर्गा में बहुत लंबी लाइन लगी रहती है। बहुत प्राचीन मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है माता जरानी का। क्या मान्यता है? वैष्णो देवी की मान्यता है सभी भक्तों के अपार खुशी दुखों को दूर करती है माता जी, सभी संकटों को दूर करती हैं। अपनी मन्नत मांगने आते हैं माता रानी के मंदिर में, सभी भक्तगण मन्नत पूर हो जाती है तो उन गोला नारियल भी चढ़ाते हैं। बता दें कांग्रेस को छोड़कर समाजवादी पार्टी में पूर्व विधायक गयादीन अनुराग ही शामिल हो गए हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर अनुराग ही कार्य थे और ऐसे में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी से मुलाकात न होने से काफ़ी
समय से नाराज थे और इसी को लेकर उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया था। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। सदर मुख्यालय के सपा कार्यालय में ये कार्यक्रम हुआ। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से गयादीन अनुरागी का पार्टी में स्वागत किया गया है। इलाहाबाद से अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री हरिगिरी महाराज वृंदावन पहुंचे, जहां पर वृंदावन स्थित सनातन संस्कार धाम आनंद वाटिका में महामंत्री हरिगिरी महाराज को अखाड़ा परिषद के लोगों द्वारा स्वागत और सम्मान किया गया। बता दें जिसमें अखाड़ा परिषद ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित श्री बिहारी लाल वशिष्ठ, महासभा के नगर अध्यक्ष राम विलास चतुर्वेदी और सिद्धार्थ शास्त्री ब्रजेश चतुर्वेदी, नंद किशोर शर्मा, सोनू शर्मा और अनेक लोगों वहां पर मौजूद रहे, जिसके बाद अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी महाराज द्वारा पत्रकारों से बातचीत की गई और जिसमें कहा गया कि वो वृंदावन पहुंचे हैं और यहां पर व्याप्त बंदरों की समस्याओं को लेकर उनका मन काफी व्यथित हुआ है। आज बंदरों के लेकर विषय चिंतन और बंदरों को प्रत्येक घरों से, प्रत्येक आश्रमों से, प्रत्येक भंडारे से हमारी मांग है कि बंदरों के लिए जो भंडारा उसका दसवां हिस्सा बंदरों का अंश निकाला जाए। घर में जो भोजन बनता है उसमें बंदरों के लिए इतने आहार निकाला जाए जिससे कि बंदर लोगों का चश्मा और बैग आदि और तमाम मोबाइल आदि या कोई चीज़ पे हमला न करें। मेन हमारा उद्देश्य था बंदरों के बारे में चिंतन करना, अखाड़ों की व्यवस्थाओं की चिंतन करना और यहाँ जमुना जी के ऊपर चिंतन करना। अब ब्रज में जैसे रहा, कुछ लोग अपने अपने ढंग का ब्रज की जो परिभाषा करते हैं उनको कैसे ब्रज ब्रज रखो रहने दिया जाए। नैनीताल के सर्किट हाउस में आयुक्त कुमाऊं सुशील कुमार की अध्यक्षता में जमरानी बांध परियोजना समन्वय समिति की क्षेत्र प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। आयुक्त सुशील कुमार ने कहा कि जमरानी बांध का निर्माण राज्य और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। जमरानी बांध परियोजना का मुख्य उद्देश्य है जल संवर्धन कर हल्द्वानी क्षेत्र की जलापूर्ति और तराई भावर और उत्तर प्रदेश क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराना है, साथ ही विद्युत उत्पादन भी इसकी पहली प्राथमिकता है। इसीलिए इस परियोजना पर शीघ्रता से काम करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। जिला चिकित्सालय पौड़ी में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनकर तैयार हो गया है, जिसका जिलाधिकारी पौड़ी ने रिबन काट कर शुभारंभ भी कर दिया है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि कोरोना काल में मरीजों को ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ रही थी, जिसको देखते हुए भारत सरकार की ओर से जिला चिकित्सालय पौड़ी में भी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने के निर्देश जारी किए गए थे। ऐसे में जिला अस्पताल में 1000 लीटर प्रति मिनट क्षमता का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट तैयार हो चुका है, जिसका शुभारंभ कर दिया गया है। इस प्लांट के तैयार होने के बाद मुख्यालय के सीमावर्ती गांव के रहने वाले जरूरतमंद लोगों को आसानी से ऑक्सीजन अब मिल पाएगी और लोगों को ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही जनपद पौड़ी के अन्य विकास खंडों में भी प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिससे कि जनपद पौड़ी में आने वाले समय में ऑक्सीजन को लेकर किसी मरीज को कोई भी समस्या नहीं उठानी पड़े। जनपद पौड़ी गढ़वाल में जो महत्वपूर्ण अस्पताल है जिला अस्पताल पौड़ी, यहाँ पर पीएम केयर फंड के माध्यम से डीआरडीओ के डिजाइन के अंतर्गत और टाटा के सीएसआर फंड के माध्यम से 1000 लीटर कैपेसिटी का प्लांट स्थापित किया गया है, जिसका लोकार्पण आज माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से वर्चुअल मोड पर किया गया है। पूरे जनपद में ऐसे विभिन्न प्लांट का आज लोकार्पण किया जा रहा है, जिसमें प्रमुखता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थली से, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चली से, यहाँ पर 300 लीटर कैपेसिटी और 250 लीटर कैपेसिटी प्लांट लगाए गए हैं, उनका लोकार्पण आज किया जा रहा है। साथ साथ में पेश अस्पताल कोटद्वार, यहाँ पर भी एक प्लांट स्थापित किया गया, जिसका लोकार्पण आज इसी कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। पूरे जनपद में 7000 से अधिक लीटर पर कैपेसिटी का जो प्लांट्स हैं हमारे जनपद
हम कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि भविष्य में अगर कोई तीसरी लहर आती है तो उसे निपटने के लिए हमारा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ। सहारनपुर में पुलिस कप्तान के मार्गदर्शन में एसपी सिटी राजेश कुमार के कुशल दिशा निर्देश में नगर क्षेत्र की पुलिस कमाल करने के लिए जुटी हुई है। लगातार पुलिस द्वारा अपराधियों की कमर तोड़ी जा रही है। जहां पुलिस अन्य कामों में व्यस्त है तो वहीं अपराध कंट्रोल की बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए नगर क्षेत्र की पुलिस ने अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम देकर घटनाओं पर पूरी तरह से अंकुश लगा दिया है। नगर क्षेत्र में नगर कोतवाली मंडी और देहात कोतवाली की अपराध रोकने में रफ्तार तेज थी और लेकिन जब से हसनपुर चौकी का पदभार सब इंस्पेक्टर लोकेंद्र राणा ने संभाला है तभी से लगातार यहां पर भी अपराध नियंत्रण कर अपराधियों की कमर तोड़ी जा रही है। आपको बता दें कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को और तेज कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार श्रीमती शारदा त्यागी जो है बाजार जा रही थी, ऐसे में रास्ते में दीवानी तिराहे के पास से पूजा का सामान खरीद कर पैदल कोट रोड से वो अपने घर की तरफ जा रही थी तो पेट्रोल पंप से पहले मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने उनके हाथ से पर्स छीन लिया और वहां से फरार हो गए, जिनको पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पकड़ लिया है। आज सदर बाजार पुलिस ने दो साथी लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से दिनांक 5 अक्टूबर को एक श्रीमती शारदा त्यागी के साथ हुई लूट की घटना का सारा माल और उनका लूटा हुआ मोबाइल चाबी आदि बरामद हुआ है। इनके पास से पहले की घटनाओं में कई मोबाइल जो इनके द्वारा लूटे गए थे वो भी बरामद हुआ है। मोटरसाइकिल इनके पास चोरी का बरामद हुआ है। ये एक्टिव लुटेरे हैं जो रोज़ कोई ना कोई छोटी मोटी छिनैती घटना कर रहे थे। पूरी टीम को इनकी गिरफ्तारी के लिए और इस लूट की घटना के खुलासे के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 15,000 रुपये का इनाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब लखनऊ, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में अपने 9 गेस्ट हाउस का नाम नदियों या फिर हिंदू धार्मिक स्थलों के नाम पर रख दिया है। राज्य के संपदा विभाग के अनुसार दिल्ली में यूपी भवन को अब संगम कहा जाएगा जबकि यूपी सदन को यूपी सदन त्रिवेणी के नाम से जाना जाएगा। वहीं महात्मा गांधी मार्ग पर लखनऊ स्थित VVIP गेस्ट हाउस को VVIP गेस्ट हाउस साकेत कहा जाएगा। इसके साथ ही डालीबाग में गेस्ट हाउस को VVIP गेस्ट हाउस के नाम से जाना जाएगा जबकि विक्रमादित्य मार्ग और मीराबाई मार्ग पर स्थित गेस्ट हाउस को गोमती और सरयू कहा जाएगा। आपको बता दें कि बटलर पैलेस कॉलोनी के गेस्ट हाउस को भी नाम दूसरा दिया गया है। इसके साथ ही मुंबई में स्टेट गेस्ट हाउस अब यूपी स्टेट गेस्ट हाउस के वृंदावन के नाम से जाना जाएगा जबकि कोलकाता में गेस्ट हाउस को यूपी स्टेट गेस्ट हाउस गंगा का नाम दिया गया है। नैनीताल के भीमताल से निर्दलीय विधायक राम सिंह केड़ा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और स्मृति ईरानी की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से उनके बीजेपी ज्वाइन करने की चर्चाएं चल रही थी और बताया जा रहा था कि बीजेपी में इस बार साल 2022 में होने वाले चुनावों में उन्हें भीमताल से टिकट देकर अपना उम्मीदवार बना सकती है। इसी शर्त के साथ वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं राम सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद लगातार ये तीसरी बार है जब कांग्रेस और निर्दलियों ने उत्तराखंड में चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थामा हो। इससे पहले आपको बता दें कि गंगोत्री और धनौल्टी विधायक भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति राजनीतिक कार्यकर्ताओं की रुचि लगातार बढ़ रही है। इसी क्रम में आज उत्तराखंड के एक महत्वपूर्ण विधानसभा है भीमताल, वहाँ के विधायक श्री राम सिंह केड़ा जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। राम सिंह केड़ा जी कांग्रेस के प्रदेश महासचिव रहे हैं, कांग्रेस के सचिव भी रहे हैं, 2012 में भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े हैं, पिछली बार इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे, आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम सब उनका स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम मैं आग्रह करता हूं कि श्री राम सिंह केड़ा जी को पार्टी में शामिल करने के लिए स्मृति रानी जी से मेरा आग्रह है कि उनको पार्टी की सदस्यता की पर्ची प्रदान करें।
नैनीताल एसओजी और बन भूलपुरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस और एसओजी की टीम ने हल्द्वानी में एक बड़े सट्टे गिरोह का भंडाफोड़ किया और साथ ही लगभग 50,000 की राशि के साथ 14 लोगों को हिरासत में ले लिया है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी हल्द्वानी ने बताया कि एसओजी नैनीताल और बन भूलपुरा पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा 14 लोगों को आईपीएल पर सट्टा लगाते हुए गिरफ्तार किया गया है। बता दें, पकड़े गए आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। बनभूलपुरा थाने में आज एसओजी और बनभूलपुरा पुलिस की टीम के द्वारा एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को सट्टे में और जुए में गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लगभग 50,000 रुपये की धनराशि बरामद हुई है। इसमें से 9 लोग जो हैं आईपीएल में सट्टा लगा रहे थे। कल राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में मैच था। 9:50 के लगभग पुलिस को जब सूचना मिली, उनके द्वारा रेड डाली गई, तो ये लोग ऑनलाइन गेम खेल रहे थे। इसमें एक मोबाइल ऐप के थ्रू ये अपने मोबाइल फोन्स पे सट्टा लगा रहे थे। पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार किया गया है। दूसरा मामला गांधीनगर का है, वहाँ पे 4 लोग ताश खेल रहे थे, लगभग 5,500 रुपये की बरामदगी वहाँ पर हुई है। और एक तीसरा मामला था जहाँ पर बन भूलपुरा इंदिरा नगर में, वहाँ पे भी सट्टा पर्ची के साथ एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा ये बताना चाहूँगी कि कल ही कोतवाली लालकुआ में 3 लोगों को सट्टा खेलते हुए गिरफ्तार किया गया है। इस तरह से एक दिन में 17 लोगों को सट्टे में और जुए में गिरफ्तार किया गया है। ये अब तक की नैनीताल पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई है जिसमें इतने सारे लोगों को एक साथ एक दिन गिरफ्तार किया गया। सर, किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया इन पर? ये 13 गैम्बलिंग एक्ट का मामला है और उसी धाराओं में इनको हिरासत में लिया गया है माननीय न्यायालय के समक्ष। चमोली में बीजेपी कार्यकर्ताओं और बीजेपी जिलाध्यक्ष ने पीएम मोदी के राजनीतिक कार्यकाल के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में चमोली के 9 ब्लॉकों में कई कार्यक्रम किए। वहीं दूसरी ओर नंदप्रयाग नगर पंचायत में भी प्रधानमंत्री के शासनकाल के 20 साल पूरे होने पर बीजेपी नगर मंडल नंदप्रयाग द्वारा नंदप्रयाग संगम तट पर नगर पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर हिमानी वैष्णव के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया गया। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सेवा ही समर्पण के तहत नगर को स्वच्छ बनाए रखने का संकल्प भी लिया है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के अपने कुशल 20 साल के शासक काल के आज 20 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अलकनंदा नदी के किनारे सफाई अभियान किया और तत्पश्चात जितने भी लाभार्थी थे चमोली बूथ पर, उन कार्यकर्ताओं ने, उन लाभार्थियों ने मोदी जी के नाम धन्यवाद का पत्र दिया है। माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से गरीब कल्याण के अनेक योजनाओं को चलाया है और गरीबों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास किया है, इस बात के लिए मोदी जी का धन्यवाद भी किया है। और सभी कार्यकर्ता श्री बद्रीनाथ अलकनंदा के शीर्ष स्थल से लेकर के और हमारे विष्णुप्रयाग, तत्पश्चात नंदप्रयाग, उसके बाद जो है कर्णप्रयाग, ऐसे ही हम 71 किलोमीटर लंबे श्रृंखला में हमारे सभी कार्यकर्ता जगह जगह सफाई अभियान, जागरूकता अभियान और मोदी जी को धन्यवाद का कार्यक्रम कर रहे हैं। आज नंदप्रयाग संगम पर भारतीय जनता पार्टी मंडल नंदप्रयाग के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा और पदाधिकारियों द्वारा सेवा ही समर्पण कार्यक्रम अभियान के तहत सफाई अभियान चलाया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। सेवा ही समर्पण अभियान के तहत नंदप्रयाग मंडल के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं ने सफाई अभियान किया और अपने नगर को स्वच्छ रखने में अपनी भागीदारी निभाई। सेवा ही समर्पण अभियान के तहत आज भाजपा मंडल नंदप्रयाग में नंदप्रयाग संगम पर सफाई अभियान चलाया गया। सभी श्रेष्ठ ज्येष्ठ कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे। डोईवाला के राजाजी नेशनल पार्क में वन्य जीव सप्ताह के समापन कार्यक्रम का रामगढ़ रेंज में आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर हरत सिंह रावत ने शिरकत की। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच वन्य जीव सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें जंगल से सटे ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिनिधियों और वन विभाग द्वारा मातृ गोष्ठी का आयोजन भी किया जाता है। लेकिन वन मंत्री हरत सिंह रावत के अथक प्रयासों से पहली बार इस सप्ताह के अंतर्गत स्कूली छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया।
एक अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक हम पूरे देश के अंदर वन्य जीव सप्ताह का मनाते हैं। शुरू शुरू में ये केवल खाना पूर्ति होता था, केवल अनौपचारिकता निभाते थे, लेकिन अब हमने पहले केवल वन मुख्यालय में इस तरह के कार्यक्रम होते थे। जब से मुझे वन मंत्रालय उत्तराखंड में मिला है, मैंने कहा कि लच्छीवाला में होना चाहिए, जू में होना चाहिए, किसी जंगल में इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए, और इस बार ये राजा नेशनल पार्क के बिल्कुल जंगल के अंदर इस तरह का कार्यक्रम का समापन आज हो रहा है। कोरोना महामारी ने हमको बहुत कुछ सिखाया है और हमने महसूस इन जंगलों के महत्व को कोरोना महामारी ने हमको और ज़्यादा कराया है। इन जीव जंतुओं के महत्व को कोरोना महामारी ने हमको और महसूस कराया है, और इसलिए इस जंगल को भी सुरक्षित रहें, तभी जल मिलेगा, तभी ऑक्सीजन मिलेगी, इन जीव जंतुओं को भी सुरक्षित रखेंगे तभी हमको जीवन मिलेगा। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग इंडिया में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया।